महाराष्ट्र में चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। सभी उम्मीदवारों को चुनावी चिन्ह मिलते ही सभी उम्मीदवारों ने जोरों शोरों से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। हम आज पहुंचे हैं नागपुर ग्रामीण की रामटेक विधानसभा सीट पर, जहां से मौजूदा विधायक और महायुति के अधिकृत उम्मीदवार एडवोकेट आशीष जायसवाल सर आज हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, प्रभु श्री राम जी की नगरी से आप सातवीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, सातवीं बार आपने नामांकन भरा है, तो आप क्या भरोसा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, रामटेक ये प्रभु श्री राम के नाम की भूमि है जी, और मैं अपना ये सौभाग्य समझता हूँ कि इस ऐतिहासिक शहर का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी मुझे लोगों ने दी है, ये मेरा सौभाग्य है। सर, तो आपको जनता ने क्यों वोट देना चाहिए, जनता ने आपको क्यों जिताना चाहिए? देखिए, लोग विधायक को एक प्रतिष्ठा का पद समझते हैं, मैंने वो कभी नहीं समझा। अभी जब आप मेरे ऑफिस में आई थी तो आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि आपके नाम का बोर्ड ही नहीं है कहीं, और मैंने आपको यही आंसर दिया कि मुझे आज पिछले 20-25 सालों से, मैं 28 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, पहले जिला परिषद सदस्य और चार बार विधायक, 20 साल मुझे विधायक करके हो गए, और उसके अलावा भी मैं लोगों के काम कर रहा हूँ। जब मैं पद पर नहीं था जी, उस समय भी मैं लोगों के लिए काम कर रहा था, तो मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं अपनी गाड़ी के बाहर कभी विधायक नहीं लिखूंगा, मैंने अपने घर के बाहर कभी विधायक नहीं लिखा, मैंने अपने ऑफिस के बाहर कभी विधायक आशीष जायसवाल का बोर्ड नहीं लगाया। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं हमेशा समझता हूँ कि मैंने कभी इस पद का गरूर नहीं करना चाहिए, मैंने इस पद का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, और मैंने इस पद को कभी स्टेटस का सिंबल नहीं करना चाहिए। और आप देखें कि आपको पता नहीं, मैं घर से यहाँ आया तो मैं एक्टिवा से आया। अच्छा, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं कॉमन मैन की तरह रहूँ, बिल्कुल, और कॉमन मैन की तरह लोगों से के लिए काम करते रहूँ। पद का रुतबा, पद का गरूर कभी मेरे दिमाग में ना आए, और मैं लोगों के लिए उनका प्रतिनिधि बन के काम करूं, उनका सेवक बन के काम करूं। हाँ, जहाँ ज़रूरत होती है, मैं जब लोगों की कहीं प्रताड़ना होती है तो मैं पूरी ताकत से एग्रेसिवली लड़ता भी हूँ, फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन लोगों के लिए मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, उनका सेवक। सर, रामटेक विधानसभा क्षेत्र में दो शिवसेना पार्टी आमने सामने है, तो जनता किसे पसंद करेंगी, आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, पार्टी जो रहती है, पार्टी किसी की लीगेसी नहीं रहती है। अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी में पिताजी के बाद बेटे का नाम आ जाता है, लेकिन लीगल हेयर होना एक अलग बात है और लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना एक अलग बात है। तो मैं समझता हूँ कि एकनाथ जी शिंदे ये बाला साहब के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और उद्धव जी ठाकरे ये लीगल हेयर है। तो लोकसभा के चुनाव में हम जनता के बीच गए और विधानसभा के चुनाव में भी हम जा रहे हैं। मैंने खुद इसे करीब से देखा हूँ, मैंने दोनों का, उनका 2.5 साल का प्रवास देखा हूँ, इनका 2.5 साल का प्रवास देखा हूँ, और जो पिछले 2.5 सालों में मैं भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कर पाया, अगर हमने वो उठाव, वो क्रांति नहीं की रहती 2022 में, तो शायद पहले 2.5 साल की तरह आगे के भी 2.5 साल हमारे चले जाते। एक लंबा अंतराल हमने वेटिंग में गुजारा है, 15 साल में अपोजिशन का MLA था और ऐसा लगता था कि कभी हमारी सरकार आएंगी, लेकिन जब सरकार आई तो सरकार कांग्रेस के साथ आई थी और कांग्रेस के साथ की सरकार हमें मंजूर नहीं थी। कल्याणकारी योजनाएँ पिछले 2-2.5 साल में निकाली गई, शायद उसका इस देश में एक नया कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है, और ये कीर्तिमान और आगे बढ़ते रहे, इसलिए सरकार फिर से आना चाहिए और मैं फिर से विधायक बनना चाहिए, ताकि हम लोग महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के दुख दर्द को दूर कर सकें। सर, आपने पार्टी के साथ भी चुनाव लड़ा है, जीता भी है, साथ ही निर्दलीय भी चुनाव लड़ा और जीता भी, लेकिन इस बार आपको शिवसेना पार्टी ज्वाइन करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? देखिए, मैं 1997 में जिला परिषद का सदस्य शिवसेना से बना धनुष्यबाण चिन्ह पे, 1999 में मैं विधायक बना धनुष्यबाण से, 2004 में मैं विधायक बना धनुष्यबाण से, 2009 में मैं विधायक बना धनुष्यबाण से, 2014 में मैं चुनाव लड़ा, हमारा नेचुरल अलायंस
अलग हो गया था, बीजेपी अलग लड़ी, शिवसेना अलग लड़ी, तब भी मैं धनुष्यमान से लड़ा और मैं सेकंड पे था। उसके बाद 2019 का चुनाव आया तो मुझे धनुष्यमान मिल नहीं पाया क्योंकि अलायंस में सीट हमारे सहयोगी पार्टी को चली गई थी। लेकिन मुझे कार्यकर्ताओं का बहुत दबाव था, मुझे भी लोगों के काम करना था। ठीक है, मेरी राजकीय महत्वाकांक्षा का कोई इशू नहीं, मैं विधायक बन गया, लोगों के लिए विधायक बनने का सपना रहता है, मेरा ऐसा कोई सपना नहीं था। मेरा सपना तो उसी दिन पूरा हो गया था जब मैं जिला परिषद का सदस्य बना। मुख्यमंत्री जी ने इतने सारे काम मेरे किए तो, और जब उन्होंने मुझे कहा कि आशीष तुझे धनुष्यमान से लड़ना है, और मेरे मित्र देवेंद्र फडणवीस जी उन्होंने भी मुझे कहा कि आशीष तू सिंबल पे लड़ ले, अब तो मैंने कहा ठीक है जो आपने कहा वो मुझे मंजूर है। और 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी पार्श्वनी आए थे और उस सभा में उन्होंने मुझे धनुष्यमान दिया और मैंने स्वीकारा। और धनुष्यमान है राम की नगरी है, और प्रभु राम के हाथ में धनुष्य था और धनुष्य मैंने भी पकड़ा हूँ, मुझे विश्वास है कि धनुष्य जीत दिलाएगा। हमने बीच में सुना था कि मुख्यमंत्री जी के साथ आपका कुछ बातों को लेकर विवाद चल रहा था, असल में वो क्या मुद्दा था फंड को लेकर? मुझे कभी ऐसा कोई विवाद कभी था ही नहीं, और कभी मेरा कोई फंड रुका ही नहीं। मैंने जो जो कहा, अगर आप मेरे द्वारा कराए हुए महाराष्ट्र सरकार के निर्णयों का अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा कोई भी विधायक नहीं होगा कि जिसने इतनी सारी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ बनाई और उसे चेंज किया। जो मिनिस्टर हो गए वो मिनिस्टर से ज्यादा कंट्रीब्यूशन सरकार के डिसीजन में मेरा रहता है। जनता के हित के लिए ये काफी अच्छा है, और हमें भी अच्छा लग रहा है सुनकर कि अब जनता के हित में सरकार में रहेंगे तो पॉलिसी बनाएंगे और वो पॉलिसी जनता तक पहुंचाएंगे। सर, इस विधानसभा क्षेत्र में राजेंद्र मूलक जी है वो बागी बन गए, अपने ही महाअघाड़ी सरकार महाअघाड़ी के उम्मीदवार के अगेंस्ट में खड़े हो गए, आपको क्या लगता है इसका फायदा किसे होगा और किस तरह से होगा? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखिए तो उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, और मुझे भी बार बार ये कहा जा रहा था कि आप कांग्रेस के साथ में मिलकर हमें चुनाव लड़ना है। लेकिन मैंने कहा कि मुझे पता था कि उद्धव ठाकरे जी के साथ में इनका जो बिहेवियर है वो ऐसे रहने वाला है, वो नेचुरल अलायंस नहीं था। कभी अपने आप को एनडीए का घटक शिवसेना को बनाने के लिए वो उद्धव जी की पार्टी को रेडी नहीं थे। अच्छा। हिंदुत्व से उन्हें एलर्जी है। और अगर आप देखें तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि खुद सुनील केदार जी यहाँ के जो सांसद है, उन्होंने उद्धव जी को कलमेश्वर के सभा में ये वचन दिया था कि कोई भी आदमी हो, कोई भी सिंबल हो, कोई भी पार्टी हो, हम चुनाव लड़ेंगे और 6 के 6 सीट जीतेंगे। लेकिन उस बात को कुछ दिन ही हुए और उन्होंने उद्धव जी के साथ में बेमानी की। अच्छा। और उनके 32 विधानसभा में उनको सिर्फ 1 सीट दी गई रामटेक, और वो रामटेक की सीट में भी उन्होंने खिलाफ में कैंडिडेट खड़ा किया, खुद प्रचार करने के लिए फॉर्म भरने के लिए वो आए, जबकि उनकी मिसेज भी वहाँ से खड़ी है। जी। कई जगहों से उन्होंने अनिल देशमुख के खिलाफ, रमेश बंग के खिलाफ, उमरेठ के कैंडिडेट के खिलाफ भी महाविकास आघाड़ी में उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया, फिर दबाव आने के बाद कुछ जगह विड्रॉल किया। उसके बाद उन्होंने रामटेक में, अभी उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता आधे इधर आधे उधर, इस तरह की स्थिति है। कांग्रेस के और दो बंडखोर खड़े हैं, चंद्रपाल जी चौकसे और कोई मिस्टर सचिन कृपान, वो भी बाजार समिति के सभापति है, उनका भी एक बहुत बड़ा बेस है। चंद्रपाल जी चौकसे भी पिछले कई सालों से काम करते आ रहे हैं, और राजेंद्र मूलक जी तो हमारे यहाँ पर्यटक करके आए हैं। जैसे कभी कामठी, पहले उमरेठ से लड़े, पहले नागपुर से, फिर उमरेठ के बाद फिर कामठी गए, फिर कामठी के लोगों को भी छोड़ दिया, फिर रामटेक आए, अभी रामटेक के बाद फिर 2029 का चुनाव हो, नया डिलिमिटेशन में होगा, कहेंगे कि वो यहां से स्थाई तो है। अभी अलग अलग टूरिज्म है अपने देश में, कोई एडवेंचर टूरिज्म है, कोई वेलनेस टूरिज्म है, कोई वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, कोई उसी तरह का एक टूरिज्म अभी नया आया है, वो है इलेक्शन टूरिज्म। तो वो इलेक्शन टूरिज्म के लिए आया है, और चुनाव जीतने के लिए लोगों को कुछ भी कहते हो, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो रामटेक को बाय बाय कर देते हैं, और हमारा क्या है, मेरा तो जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का। तो मैं तो चुनाव नहीं जीता था 2014 से 2019, तब भी काम कर रहा था। MLA बनने के पहले जब जिला परिषद सदस्य था तब भी काम किया, उसके पहले मैं कॉलेज लाइफ में था और एज एडवोकेट काम करता था, तब भी मैं लोगों के लिए लड़ता था। मुझे ये लीगेसी मेरे फादर से मिली है कि लोगों के काम करो, और कोई भी पैरामीटर पर मैं विधायक नहीं बन सकता था,
लेकिन मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता ने मुझे बहुत प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का जो साथ मुझे अभी मिला है जी। वो बहुत बड़ा साथ है और बीजेपी का एक बहुत बड़ा बेस है यहाँ पर। जो बीजेपी के लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने मेरा पहले भी काम किया था, तो ऑब्वियसली अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मार्जिन की जीत मुझे यहाँ पर लोगों से मिलेगी। और मैंने जो काम किया हूँ स्पेशली पिछले 2-2.5 साल में, तो महिलाओं के लिए जो काम मैंने किया हूँ, 2 MIDC का काम मैंने यहाँ पर सैंक्शन किया हूँ, एक आमड़ी में 3,000 एकड़ की MIDC और एक कन्हान में एक नई MIDC, एक फिल्म सिटी मुझे यहाँ पर फडणवीस साहब ने दी है। आप देखिए कि महाराष्ट्र में 2 फिल्म सिटी थी, एक दादा साहब फाल्के चित्रनगरी और दूसरी कोल्हापुर चित्रनगरी, तीसरी महाकवि कुलगुरु कालिदास चित्रनगरी रामटेक के 127 एकड़ में हो रही है, उसका GR निकल चुका है। तो एक बहुत बड़ा काम मुझे सरकार के रूप में यहाँ करने मिला। लेकिन सर, हमने सुना था कि आपको टिकट मिलने से यहाँ के स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता कुछ नाराज थे, तो उनकी नाराजगी नहीं, ऐसा एक नैरेटिव पसराने की कोशिश की गई थी। अच्छा। और आपको शायद पता नहीं कि माननीय देवेंद्र जी और माननीय चंद्रशेखर बानकुड़े जी, ये मेरे दो बहुत ही परम मित्र हैं जी। और आज से नहीं, जिस दिन से मैं राजनीति में आया उस दिन से दोनों मेरे दोस्त हैं। तो जितनी शक्ति, जितना प्रेम मुझे मुख्यमंत्री देते हैं, उतना ही प्रेम मुझे उपमुख्यमंत्री और चंद्रशेखर जी बानकुड़े देते हैं। तो शायद मैं महाराष्ट्र का इकलौता ऐसा भाग्यवान विधायक हूँगा कि जिसे ऑल पार्टी से इतना प्रेम और समर्थन, जनता से तो मिल ही रहा है लेकिन ऊपर के नेताओं से भी। उन्होंने सबने अपने डिपार्टमेंट में कह के रखा है कि आशीष आएंगे तो उसका कोई काम रुकना नहीं चाहिए। आशीष ने जो प्रपोजल दिया उसको सैंक्शन करना है, उसने जो पॉलिसी बनाया उसकी GR निकालना है, उसने जो काम बताया वो करना है। तो इस तरह का काम, इस तरह का प्यार लोगों का मिलना, ये ईश्वर के आशीर्वाद के सिवा ये संभव नहीं है। नहीं तो मैं किसी भी पैरामीटर में विधायक नहीं बन सकता। फिलहाल की जो राजनीतिक परिस्थिति है और जो देश का राजनीति चल रही है, कास्ट बेस्ड राजनीति चल रही है, पैसे का जो चुनाव में मिसयूज़ किया जा रहा है, लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, पैसे की ताकत से चुनाव को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कितनी भी धन शक्ति आए लेकिन जीत ही जनशक्ति की होगी और जनशक्ति मेरे साथ है। तो सर, आपको क्या लगता है कि आपका सीधा मुकाबला किससे होगा, राजेंद्र मुलक या महाविकास आघाड़ी के विशाल बरबटे या फिर चंद्रपाल चौकसे जी? देखिए, ये संभ्रम बहुत बड़ा है। तो अभी मैं आपको शुरुआत में ही कह चुका हूँ कि ये लड़ाई दूसरे नंबर की जगह कौन लेगा उसके लिए चल रही है, क्योंकि मेरे खिलाफ जो कैंडिडेट थे, चारों कैंडिडेट अपने आप में कुछ ताकत रखते हैं। ठीक है, मुलक जी बाहर के हैं लेकिन उनके पास पैसे की ताकत है। चंद्रपाल जी ने 10-20 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। सचिन किरपान भी वो है, और विशाल बरबटे भी उद्धव ठाकरे जी के नाम पर महाविकास आघाड़ी का ऑफिशियल कैंडिडेट है, तो ऑब्वियसली उन्हें भी एक मेरे अपोजिशन के वोट मिलना है। तो आप देखेंगे तो मेरे अपोजिशन के वोट 4 पार्ट में डिवाइड हो गए। जो काम हमने पिछले साल विशेष रूप से लाडली बहना, तो लाडली बहने का तो जितने GR में जितने करेक्शन हुए हैं उसका मैंने किया हूँ। अच्छा। मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री दोनों ने डिपार्टमेंट को सूचना दी थी कि आशीष जायसवाल जो जो इसमें सुधारणा करना चाहता है, तो मैंने लोगों का इनकम की अट निकाल दिया, लोगों के लिए मतलब इतना ईजी कर दिया। और आपको शायद विश्वास नहीं होगा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कैंप जी। मैंने लगाया यहाँ पर 357 बूथ में 357 कैंप मैंने लगाया था, और मुझे लगता है कि मैं पुराने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ूंगा। मतलब सर, आपको लगता है कि सबसे ज्यादा लाडली बहना ही आपको वोट करेंगे? देखिए, लाडली बहना ऐसी रहती है कि जब हम लोग बहन को कुछ देते हैं तो बहन की तरफ से सिर्फ प्रेम ही मिलता है। बहन ये हमेशा माया देने वाली है, तो इतनी सारी बहनें का आशीर्वाद जिसके पीछे, उस सरकार के पीछे, उस विधायक के पीछे जी। किसी भी शक्ति का प्रतिकार हो नहीं सकता। नारी पीछे खड़ी हो जाए या नारी शक्ति जब आपके साथ है, आपको कौन? देखिए, 2024 ये वर्ष नारियों के उत्थान का सबसे बड़ा वर्ष के रूप में इसे इतिहास में लिखा जाएगा। महिलाओं को ST में प्रवास, लड़कियों को एजुकेशन फ्री कर दिया गया है बड़े बड़े अभ्यासक्रम में। उसके अलावा अगर आप देखें तो महिलाओं के लिए 3 सिलेंडर फ्री देने का निर्णय किया, जिसमें मैंने खुद संजय गांधी के लाभार्थी भी ऐड कर दिया हूँ। संजय गांधी में भी जो 1,000 रुपये का अनुदान था वो 1,500 कर दिया गया। अभी संजय गांधी और लाडली बहना दोनों 2100 करने का निर्णय
मुख्यमंत्री जी ने जाहिर किया है। सर आप तो 4 बार विधायक रह चुके हैं, यहाँ एक ही बार विधायक जो बनता है उसकी एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है, तो आप इसे कैसे डील करेंगे विरोधी लहर को? देखिए एंटी इनकम्बेंसी उसकी होती है जो काम नहीं करता। अगर आप मेरा इतिहास देखें तो मैं पहला जिला परिषद लड़ा 96 में चुनाव जीता, 1998 में मैं विधानसभा लड़ा, मुझे 30-35 हज़ार वोट मिले, यानी उस समय मुझे कम मिले थे, करीब करीब 24 हज़ार के आसपास मुझे वोट मिले थे। एक साल के बाद चुनाव हुआ तो मुझे 18 हज़ार वोट ज़्यादा मिले, मैं 48,000 पे था। उसके बाद का फिर चुनाव आया, उसमें मुझे वोट और मिले, मैं और ज़्यादा वोट उससे मैं चुन के आया। अगर आप 2004 का चुनाव देखिए, 2009 के बाद में 2014 का चुनाव जीता, तो भले बीजेपी अलग लड़ी लेकिन मेरे वोट कहीं कम नहीं हुए थे। बिना बीजेपी के भी मैंने बहुत करीब करीब 46,000 वोट उस समय भी लिया था। और जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा 2019 में तो मुझे करीब करीब 68,000 के आसपास, 67 से 68,000 के बीच में मुझे वोट मिले थे। और मुझे अब इस बार ऐसा लग रहा है कि मुझे 1 लाख के ऊपर लीड मिल सकती है, वोट में जाऊंगा, 1 लाख क्रॉस करूंगा। मतलब सर आपको पूरी उम्मीद है कि कम से कम 1.5 से 2 लाख वोट की जीत की मार्जिन आपकी रहेगी? नहीं मार्जिन तो उतनी रहेगी क्योंकि 2 लाख के आसपास वोटिंग होगा, 2,10,000, लेकिन मुझे मैं 50% के ऊपर का क्रॉस नहीं कर पाया था। तो मेरी इच्छा है, मेरी जिद है, मेरा जो पैशन है, मेरी जो मेहनत है और मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे 50% से अब वोट लेना लेकर ही मुझे समाधान होगा, इस तरह का काम मैं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये थे आशीष जायसवाल जो कि 1 बार नहीं 4 बार विधायक रह चुके हैं। पार्टी के साथ भी उन्होंने चुनाव जीता था, निर्दलीय भी चुनाव जीते थे और इस बार भी उन्हें विश्वास है कि जनता का प्यार उन्हें बहुमत दिलाएगा और काफ़ी बड़ी मार्जिन के साथ वो ये चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।